नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उम्मीदवार और उनके समर्थक अब घर घर पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह ने समर्थकों के भारी लाव लश्कर के साथ रविवार को जैन नगर मोहल्ला परशुराम कॉलोनी रहना ममता नगर वार्ड नंबर 30, 33 और 35 के अलावा अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर दस्तक देकर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। यहां उन्होंने अपने समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बीते 10 वर्षों से प्रदेश में भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए बेहतर काम किया है। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को फोकस कर आम लोगों को हित में विकास कार्य किया है। चुनाव में सफलता के लिए उनके कार्यकर्ता भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जिसमें रविवार को शुकवाहाबाद के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के वार्ड नंबर 8 में गंगानगर, कृष्णानगर, बुर्ज, नगला किला सहित अन्य मोहल्लों में घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए मतदान करने की अपील करते हुए आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विष्णु सक्सेना, नगर अध्यक्ष शुभम दीक्षित, अरविंद गुप्ता, आशुतोष वर्मा, कृष्णकांत, रामसेवक कठेरिया, दीपू सारस्वत, डॉक्टर PS राणा, दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। तो देखते रहिए C20। आज किस तरह का भ्रमण किया गया है और कहां का वोट मांगा गया है? आज भारतीय जनता पार्टी सुखाबाद नगर के पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ता एटा रोड और मैनपुरी रोड पर स्थित जो बस्तियां हैं उन पर घर घर संपर्क कर रहे हैं और उसमें पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के समर्थन के लिए वोट मांग रहे हैं। पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे वो लाभार्थी हो, युवा हो या प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत जो लाभ उठाने वाले लोग हों, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कब 7 तारीख आए और मैं कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से विश्वदीप जी को यहाँ से जिताकर भेजने का कार्य करें। अब की बार पब्लिक में जबरदस्त उत्साह है और पब्लिक ने ठान रखा है, लोगों ने ठान रखा है कि मोदी जी को तीसरी बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान करना है, भारी बहुमत के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाना है और इसी क्रम में हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जय श्री राम।